सिनेमा जो आज के समय में पूरी दुनिया में बिलियंस ऑफ डॉलर का बिजनेस कर रही है। आज से ठीक 100 साल पहले टेक्नोलॉजी और आर्ट को अपने में समेटे एक नई विधा का जन्म हुआ था जिसे आज हम सिनेमा के नाम से जानते हैं। सिनेमा आज के दौर का सबसे लोकप्रिय आर्ट फॉर्म में से एक है। सिनेमा की शुरुआत तब हुई थी जब पहली बार मोशन कैप्चर कैमरा का इन्वेंशन हुआ था। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि करीब 100 साल के अंदर कैसे ऑप्टिकल टॉयस मॉडिफाई होते होते पहला स्टिल कैमरा का इन्वेंट होता है और कैसे स्टिल कैमरास इवॉल्व होते होते काइनेटोग्राफ का इन्वेंशन होता है, जिसमें बहुत सारे साइंटिस्ट और फोटोग्राफर्स का योगदान रहा है। जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाके पहला वीडियो देख सकते हैं। और इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि पहला मोशन पिक्चर कैमरा कैसे इन्वेंट हुआ और उसके आगे का सफर। न्यूब्रिज, मरे और ईस्टमैन की तरह थॉमस एल्वा एडिसन को भी सिनेमाटोग्राफी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। 1877 में उन्होंने फोनोग्राफ का इन्वेंट किया था जो आगे चल के ग्रामोफोन में विकसित हुआ। फोनोग्राफ उस समय का एक बहुत ही सक्सेसफुल इन्वेंशन था। एडिसन फोनोग्राफ के विजुअल एकम्पेनमेंट के लिए मोशन पिक्चर कैमरा पर काम कर रहे थे। उन्होंने 1899 में विलियम कैनेडी लॉरी डिक्सन नामक एक यंग आदमी को लैब असिस्टेंट के तौर पर काम पर रखा जो उन्हें मोशन पिक्चर कैमरा डेवलप करने में मदद कर सके। डिक्सन ने पहले से मौजूद सिद्धांतों और तकनीकों के आधार पर पहला मोशन पिक्चर कैमरा का इन्वेंट किया, जिसे उन्होंने म्यूब्रिज, मरे और अन्य के काम का अध्ययन करने से सीखा था। डिक्सन ने मरे के क्रोनोफोटोग्राफिक गन के समान बैटरी चलित कैमरे में सेल्युलर रोल फिल्म के उपयोग के साथ प्रयोग करना शुरू किया था और वह 1891 के अंत में काइनेटोग्राफ पर पहुंचे। डिक्सन कैमरे के साथ साथ उसका किस तरीके से बड़े पैमाने पे प्रोजेक्शन हो सके उस पर भी काम कर रहे थे, लेकिन एडिसन को प्रोजेक्शन में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्हें गलती से यह विश्वास हो गया था कि मूविंग पिक्चर्स का भविष्य व्यक्तिगत प्रदर्शनी में ही निहित है, यानी एक बार में एक फिल्म एक ही आदमी देख सकेगा। इसीलिए उन्होंने डिक्सन को उस छोटी सी दिखने वाली मशीन को सही करने के लिए नियुक्त किया जिसे उन्होंने पहले ही लेबोरेटरी में निजी उपयोग के लिए डिजाइन किया था। 1893 में काइनेटोस्कोप के पेटेंट दिए जाने के तुरंत बाद एडिसन ने कई कंपनियों के माध्यम से काइनेटोस्कोप का मार्केटिंग शुरू किया। नॉर्मन सी रैफ और फ्रैंक आर गैमन, जो उस समय के एक लीडिंग सेल्स एजेंसी के मालिक थे, उन्होंने एडिसन से काइनेटोस्कोप के एक पीस को $200 में खरीदा और उन्हें $350 में बेचा। एडिसन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वेस्ट ऑरेंज न्यू जर्सी में अपना पहला काइनेटोग्राफ स्टूडियो स्थापित करके फिल्म मेकिंग बिजनेस की शुरुआत की। 14 अप्रैल 1894 को एंड्रयू हॉलैंड नामक एक कनाडा के बिजनेसमैन ने न्यूयॉर्क शहर में पहला काइनेटोस्कोप पार्लर खोला। हॉलैंड ने एक रो में रखी हुई करीब 5 काइनेटोग्राफ फिल्में दिखाने का पर पर्सन 25 सेंट चार्ज करते थे और वो इतिहास में पहले व्यक्ति बन गए जिन्होंने फिल्म दिखा के जीवन यापन करना शुरू किया था। उसके बाद और भी लोगों ने उनको फॉलो किए और जल्द ही देश भर में बहुत सारे काइनेटोस्कोप पार्लर्स खोले गए। अब इस हालत में बहुत सारे काइनेटोस्कोप फिल्मों की डिमांड बढ़ने लगी और इसको देखते हुए पहला मोशन पिक्चर स्टूडियो 1893 में डिक्सन द्वारा सिर्फ $600 में बनाया गया था। कम से कम कहने के लिए ये एक असामान्य इमारत थी जिसे ब्लैक मारिया के नाम से जाना गया। डिक्सन का स्टूडियो 25 से 30 फीट का एक सिंगल रूम था। इसकी छत के एक हिस्से को सनलाइट एंटर करने के लिए खोला जा सकता था। सनलाइट ही उस स्टूडियो का एकमात्र लाइट सोर्स था। पूरे दिन भर में किसी भी वक्त वहाँ पे शूट किया जा सके, इसलिए सन के डायरेक्शन को फॉलो करने के लिए एक गोलाकार ट्रैक पर उस रूम को घुमाया जाता था। यहाँ 1893 से 1895 तक एडिसन कंपनी द्वारा काफ़ी सारे काइनेटोग्राफ फिल्म्स की शूट हुई थी जिसके डायरेक्टर और कैमरा ऑपरेटर खुद डिक्सन ही थे। डिक्सन ने जून 1895 में एडिसन को छोड़ दिया और 3 अन्य भागीदारियों के साथ अमेरिकन म्यूटोस्कोप एंड बायोग्राफ कंपनी बनाई।
उस समय की काइनेटोग्राफ फिल्मों की शूट एक ही जगह कैमरा को रख के किया जाता था, यानी कि कैमरे के सामने कुछ परफॉर्मेंस या स्टेजिंग किया जाता था, या तो कहीं पे कुछ घटना चल रहा है उसे वैसे ही शूट किया जाता था। पर दोनों ही कंडीशन में कैमरे को बिना हिलाए एक ही जगह पे रख के शूट किया जाता था, और शूट के बाद उसका कोई एडिटिंग भी नहीं होता था। 1880 के दशक के दौरान एडवर्ड म्यूब्रिज अपने सीरीज फोटोग्राफ्स की प्रोजेक्शन के लिए एक प्रोजेक्शन मशीन पर काम कर रहे थे। उस समय के दौरान यूरोप और अमेरिका में बहुत सारे साइंटिस्ट कैमरा और प्रोजेक्शन मशीनों पर लगातार काम कर रहे थे, और उन सब में से सबसे महत्वपूर्ण थे दो भाई अगस्टे और लुई लुमियर, जिन्होंने लियोन फ्रांस में फोटोग्राफिक उपकरणों के निर्माण के लिए एक फैक्ट्री का संचालन किया था। एडिसन मशीन के कामकाज के गहन अध्ययन के बाद लुमियर्स ने एक उपकरण का आविष्कार किया जो कैमरा, प्रोजेक्टर और फिल्म प्रिंटर के रूप में काम कर सकता था, और जिसे अंततः सिनेमाटोग्राफ के रूप में पेटेंट कराया गया था। इस प्रकार यह शब्द गढ़ा गया जो आज तक फिल्म के माध्यम से जुड़ा हुआ है। सिनेमाटोग्राफ को 16 FPS की गति से चलाने के लिए बनाया गया था, और इसे सिर्फ साइलेंट फिल्मों के लिए बनाया गया था। 22 मार्च 1895 को लुमियर ब्रदर्स ने पेरिस में कुछ प्राइवेट ऑडियंस के लिए अपनी पहली फिल्म वर्कर्स लिविंग द लुमियर फैक्ट्री की स्क्रीनिंग की। कई फिल्म हिस्टोरियंस ने दुनिया की पहली मूविंग पिक्चर्स के रूप में इस फिल्म को नामित किया है। 28 दिसंबर 1895 को लुमियर्स ने पेरिस में एक बड़े होटल का बेसमेंट कमरा किराए पर लिया, और पहली बार बहुत सारे ऑडियंस के सामने लगभग 10 फिल्मों का स्क्रीनिंग किया। उस कार्यक्रम में पहली बार द अराइवल ऑफ ट्रेन का भी स्क्रीनिंग किया गया था। इस फिल्म के पीछे यह कहानी है कि थिएटर के बड़े पर्दे पर जब पहली बार दर्शकों ने ट्रेन को आता देखा तब बहुत सारे ऑडियंस डर के मारे चिल्लाने लगे थे। उसके बाद लुमियर ब्रदर्स ने पूरी दुनिया भर में घूम के अपने फिल्में दिखाते रहे। 7 जुलाई 1896 को लुमियर ब्रदर्स बॉम्बे भी आए थे, और बॉम्बे के वाटसन होटल में अपनी फिल्में स्क्रीनिंग की थी। शुरुआती दौर में जब फिल्में प्रोजेक्शन होता था तब एक बड़ी समस्या यह सामने आई कि 50 से 100 फीट से अधिक की लंबाई की रील वाली फिल्में अक्सर कुछ तकनीकी कारणों के वजह से बीच में टूट जाती थी, यानी तब 4 या 5 मिनट से ज़्यादा लंबा फिल्में बनाया जाता तो स्क्रीनिंग सही से नहीं हो पाती थी। पर समय के साथ साथ इसका भी हल निकाला गया। 1896 तक फिल्म रिकॉर्डिंग और फिल्म प्रोजेक्शन से जुड़े सभी बुनियादी तकनीकी सिद्धांतों की खोज की गई थी, और उन्हें मौजूदा मशीनों में शामिल किया गया था, और इस प्रकार एक कला के रूप में सिनेमा का इतिहास शुरू होता है। क्योंकि अगर मशीनों के बारे में हमारी समझ परिष्कृत थी तो उसका उपयोग करने का ज्ञान वास्तव में आदिम था। वास्तव में एडिसन और लुमियर्स द्वारा जिस तरह की डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्डिंग का अभ्यास किया गया था वह सदी के अंत तक आते आते मेनस्ट्रीम सिनेमा बन गई थी। क्योंकि अभी तक कोई धारणा नहीं थी कि कैमरे का इस्तेमाल कहानी कहने के लिए किया जा सकता है, यानी कैमरे को सिर्फ एक जगह रख के चल रही घटना को रिकॉर्ड करने के बजाय एक नैरेटिव फिल्म का निर्माण किया जा सके। यह सच है कि अब तक फिल्म रिकॉर्डिंग और प्रोजेक्शन को लेकर सभी टेक्निकल रिलेटेड प्रॉब्लम्स सॉल्व हो चुके थे, और अब फिल्में 1000 फीट या लगभग 16 मिनट तक की लंबाई में बढ़ने में सक्षम थी। लेकिन स्टोरी टेलिंग ना होने की वजह से 16 मिनट का फिल्म में क्या दिखाया जाए वो सभी के समझ के बाहर था। लुमियर ब्रदर्स को बस लगता था कि यह बस एक रिकॉर्डिंग मशीन है जिसके जरिए सिर्फ रिकॉर्ड किया जा सकता है। लेकिन 1890 के दशक के अंत तक आते आते जॉर्ज मेलिस नामक एक आदमी ने कैमरे को लेके बहुत सारे नए पॉसिबिलिटीज़ देखे, और आगे चल के उन्होंने नैरेटिव सिनेमा के टेक्निकल एस्पेक्ट्स और क्रिएटिव एस्पेक्ट्स को लेके बहुत सारी नई खोज की, जिससे सिनेमा सिर्फ एक टेक्निकल इन्वेंशन ना रह के एक आर्ट फॉर्म के तौर पे पहचाना जाने लगा।